बारखान वाकये से मुतालिक ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब्दुलरहमान खेतरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जियो न्यूज़ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसस। नदीम, क्या कार्रवाई की गई है? जी, जो हमें पुलिस हुकाम से मालूम हुआ है कि जो सूबाई वजीर मवासलात तामीरात अब्दुलरहमान खेतरान को अब से कुछ पहले हिरासत में लिया गया है और अब उनसे जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जो है इस जो वाकया हुआ है बारखान वाकया उसके हवाले से तफ्तीश की जा रही है और जो पुलिस हुकाम है वो वहाँ मौजूद हैं, आला हुकाम भी मौजूद हैं और वो सरदार अब्दुलरहमान खेतरान से इस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं और हमें पुलिस हुकाम ने इस बात को कन्फर्म किया है कि उनको सरदार अब्दुलरहमान खेतरान को थोड़ी देर पहले हिरासत में लिया गया है। जी नदीम कौसर, आप एक दफा बता सकते हैं कि कहां से उन्हें हिरासत में लिया गया है? जी, अभी तक जो इत्तलात हैं कि उनको यहाँ कोयटा में जो उनके घर है वहाँ से हिरासत में लिया गया है। ये बढ़ेर रोड पर वाक़ है, वहाँ से हिरासत में लेकर अब उन्हें सेंट्रल पुलिस ऑफिस लगाया गया है और वहाँ जो है उनसे बारखान में जो खातून और दो उनके बच्चों के कत्ल के हवाले से तहकीकात की जा रही है। इस तफसील के लिए नदीम कौसर। सरदार अब्दुलरहमान खेतरान को बारखान में तीन अफराद के कत्ल के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया है।